ये बच्ची जो हम दबा रहे हैं अभी, ये गाय, ये हमारे पास कोई करीबन 14 दिन पहले हमने रेस्क्यू की थी। शिमला के नजदीक रोहडू में दीपाला चौहान पिछले 27 साल में 3500 से ऊपर जानवरों की मदद कर चुकी है। फिर भी कई वाक्य ऐसे होते हैं कि दीपाला भी हिम्मत हार जाती है। कोई जा रहे थे और उन्होंने नाले में उनको मिली है और इसकी पीठ टूटी हुई थी और बहुत ही बुरे हाल में थी। तो मैंने उनको कहा कि ले आओ और उन्होंने बहुत अच्छी तरह एक स्ट्रेचर बना के मेरे घर पहुंचाई। तो उस दिन से हम इसकी एक्चुअल हेल्प तो क्या कर सकते थे, यही कर सकते थे कि पेन किलर दें। अब 3 दिन से इसने बिल्कुल घास मना करती थी जब हम देते थे, तो हमको थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताता है कि अब ये बचेगी नहीं। हम तो इसको यूथनाइज करने के सोच रहे थे। जो यहाँ की लोकल भाषा में है, इनको डंगर बोलते हैं। डंगर का क्या मतलब है? जिसका दिमाग नहीं। ये प्रॉबेबली ये प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। अब किसी ने ये नहीं देखा क्यों नहीं हुई प्रेग्नेंट, क्योंकि ये जब बच्ची थी इसको कभी दूध ही नहीं मिला, इसकी फिजिकल डेवलपमेंट नहीं थी। वैसे तो बहुत बड़ी नस्ल थी ये, तो इंसेमिनेशन से पैदा हुई होगी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। कान का छेद मैंने अपने आदमी को भी दिखाया, ये तो टैग वाली गाय थी। तो इसके मालिकों ने टैग निकाला होगा ताकि पकड़े नहीं जाएं और रात को नाले में फेंक दिया, बात खत्म। अब आप इंसान को ले लो, अभी अगर उसका बच्चा पैदा हुआ और उसको दूर बांध दो, है ना, बहाने सब औरतें करती है, कोई अंदर ले जाता है, बोलते हम तो बहुत अच्छी तरह रखते बच्चा। मेन रीजन ये होता है कि वो बच्चा दूध नहीं पिए, खुद पीना है उन लोगों ने, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, जहाँ भी। ये गाय का इतना एक्सप्लॉयटेशन जो सदियों से आ रहा है, और हम वी आर द जनरेशन जो इसको बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अब गहराई में, जिंदगी की गहराइयों में समझ लिया है कि ये अब्यूज है, अब्यूज ऑफ अ लिविंग बीइंग। कृष्ण भगवान जहाँ भी है अभी, वो खून के आंसू रो रहे होंगे। इंसान की माँ इतनी अच्छी नहीं होगी जिनकी इनकी माए होती है, अपनी जान देने को तैयार होती है इनके अपने बच्चे के लिए, और उसके सामने उठा के बच्चे को फेंक देते हैं, या भूखा है ना, या कोई बहाना करेंगे, नहीं हम तो बहुत अच्छी तरह रखते बच्चे को, हम तो अंदर ले जाते घर में। मेन मकसद ये है कि बच्चा दूध नहीं पिए, इतनी लालच क्यों?